जिसमें हम आप देखेंगे कि लिटरल डिवाइस के हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके माध्यम से हम लिटरल डिवाइस के कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम तीन प्रकार के चैलेंजेस आएंगे आपके पास सामने, और पहला जो चैलेंज है जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और आपको बस थोड़ा सा मैं टाइम दूँगा आपको आइडेंटिफाई करना है, और इसके बाद हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, आपको बताएंगे कि सही आंसर है क्या। आर यू रेडी? यस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, ये पहला क्वेश्चन, द वाइंड विस्पर्ड स्वीटली इन माय ईयर, व्हाट लिटरल डिवाइस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। यू हैव 10 सेकंड, फर्स्ट सिमिली, सेकंड इज मेटाफर, सी इज पर्सोनिफिकेशन, एंड डी इज आयरनी। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो यू हैव योर टाइम इज नाउ ओवर, नाउ आई एम गिविंग योर आंसर। सो द राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ये एग्जाम्पल में मेटाफर या फिर सिमिली नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज को यहाँ पर कंपेयर नहीं किया गया। दूसरा, इसके अंदर आयरनी भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी जो है दो चीजों को अपोजिट भी नहीं बताया गया। और तीसरा, इसका आंसर देखें सी, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि आपको जब ह्यूमन जो एट्रीब्यूट है, ह्यूमन जो गुण है, उसको इसमें से नॉन लिविंग थिंग से उसको कंपेयर किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। राइट, ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो यू आर द सनशाइन दैट ब्रिंग्स लाइट टू माय ग्रे डेज, व्हाट लिटरल डिवाइस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ए, एल्यूजन, और बी, सिमिली, और सी, मेटाफर, और डी, एनाफोरा। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ आई एम जस्ट डूइंग इट। ओके, सो राइट आंसर इज सी, मेटाफोर, क्योंकि ये जो है एल्यूजन का कोई एग्जांपल नहीं है। एल्यूजन में कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, और इट इज नॉट एन एनाफोरा, विच इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड ऑन एक्सप्रेसेस। किसी वर्ड का रेपिटेशन नहीं किया गया है, किसी वर्ड के सेंटेंस के शुरुआत में कोई रेपिटेशन नहीं किया गया, इसलिए एनाफोरा भी नहीं है। और इसमें जो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट जो किसी प्रकार से आपस में सही नहीं है, उनका क्या किया गया, कंपेरिजन किया गया, यू एंड सनशाइन का जो एक दूसरे से कंपेयर किया गया है, इसलिए मेटाफर है ये, कोई सिमिली नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेटाफर। राइट, सो सही आंसर है मेटाफर। नाउ वी आर मूविंग फॉर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, दैट इज The laughter of the witch sound like nails on chalkboard. Can you pass it? Simile, alliteration, oxymoron, or literatex? Okay, write your answer in comment box. Okay, we have. Then now I'm just giving you answer. Yes, right answer is A, simile. And because a simile is an indirect comparison of two unlike objects, and दो indirect प्रकार से comparison है, जिसमें like या कि as के साथ दो sentences का comparison करना, that is simile। इसमें alliteration क्यों नहीं है, consonant sound का कोई इसमें repetition नहीं है, और oxymoron भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई contradictory terms जो है, जो कॉन्ट्रेक्टरी फीचर्स है कि कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स का जो है कोई फीचर्स नहीं दिखता। बेटर, और इसमें लेटरेज भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई अंडरस्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसमें
जो टेस्ट जो है वो भी नहीं होगा, राइट। दिस इज फर्स्ट राउंड। अब हम दूसरे राउंड में चलते हैं। अब दूसरा राउंड थोड़ा सा जो है मीडियम चैलेंजिंग, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। ओके, सो आर यू रेडी? ओके गुड, सो लेट्स दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रेटी प्रिंसेस पैमेला प्रेफर्स टू प्रिंस एंड यूरोटेल, सो व्हाट लेटर डिवाइस इज यूज्ड इन सेंटेंसेस? बताइए इसमें कौन सा लेटर डिवाइस। कमेंट, जस्ट कमेंट। ओके, आई एम गिविंग आंसर। ओके, सो पहला इसके अंदर है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। क्योंकि इस एग्जांपल में जो पी साउंड है पूरे सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है। प्रेटी प्रिंसेस पमेला प्रेफर्स ट्रांस एंड प्योरिटी, व्हाट आईडिया। और इसके अंदर एसोनेंस भी है। एसोनेंस इज रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। द वर्ड्स ऑफ मैच रैप बैंड मैन टैन हैट एंड क्लैप ऑल हैव द शॉर्ट ए वॉवल साउंड, व्हाट आईडिया। सभी भी है, इसलिए इसके अंदर एलिट्रेशन एंड एसोनेंस दोनों है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन कब चले? अगला क्वेश्चन, मैट रैप्ड विद द बैंड व्हाइल द मैन इन द टिन हैट क्लैप्ड। वी हैव टू व्हाट इज द, सॉरी नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। द बैकन पॉप्ड एंड सिजल्ड इन द फ्राइंग पैन। So the words popped and sizzled are words that sound like they're being. What little device is this? इसमें कौन सा device है? Just comment. Comment करें. Okay, you have commented. Okay, just move. Let's check your understanding. इसमें onomatopoeia है. क्योंकि जब दो words जो है, जिनका जो act, when it's evoke actual sound, the sound of the words pop, which means a short snapping noise. And sizzle, a hissing sound that is made when cooking, such as the words themselves. A hissing sound. जब उसका actual sound को बताए, है ना? तो उसमें क्या होता है? Onomatopoeia. What are you? You have understood? Very good. Now we are moving next question. Question number 6. The bacon popped and sizzled in the frying pan. So we have covered, I think, this question. So we have what? So we have missed this question. Matt rapped when the band while the man in the band that clapped. So this is all the questions we have covered. So now we are moving further and we are moving further. Question round 3. It is a little bit hard, so yes. Now you will have to read and then you answer. Question number 7. Read the excerpt from the William Wordsworth poem I Wandered Lonely as a Cloud. I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills. What little device is used to increase I wandered lonely as a cloud? Write your answer in the comment box. Okay, let's check your answer. The answer is similar. This phrase shows an indirect comparison between the speaker and a cloud using the word as. Okay, so that's why it is simple. और दूसरा इसके अंदर ये personification भी है, क्योंकि the excerpts daffodils are described as a tossing their head in the spirit-like turns, which is an action that only human can perform. क्योंकि ये action सिर्फ human कर सकता है, इसलिए इसके अंदर personification भी है. Concept है. Good. Yeah. You got idea? Now we are moving. For our final question, okay, read. Again, the same, I wandered lonely as a cloud, which is 10,000 saw I at a glance, tossing their head in a spirit-like dance. So this expert described the field of daffodils. What better device is to phrase tossing their heads in a spirit dance? And keep dancing. Okay, let's check it. Again, this phrase shows an indirect comparison. And the word is personification. I hope that we have covered everything. And if you have any questions,